आइए नन्नू। अरे इस लड़की का तूने बताया नहीं इसमें क्या है, आज तक देखा भी नहीं तूने, इतनी पास होते हैं ये लड़की। और मनु भैया जी शनि धाम जब हम पहुंच गए हैं और यहाँ की वीडियो हम बना रहे हैं, ये कैसे बोलेगा ये महाकाल महाकाल लिख रही है, ये तस्वीर भी वीडियो की कितनी साफ हो चुकी है और हमारे भक्तों को ये तस्वीर देखने में भी मजा आएगा। कोई तांत्रिक सा दिख रहा है, उसके पीछे एक देवी है, देवी के पीछे चार भैरव से दिख रहे हैं, उनके पीछे भी लाइन दिख रही है 14 लोगों का। और कितने कटे हैं इसके आज तक बताइए, ये तो बहुत सारी चीज बता दी तूने, जब ही तो ये ऐसे 10 चीजें कट गई वो भी बहुत ताकतवर थी, 10 चीजें कट गई वो भी बहुत ताकतवर थी, लेकिन वो कटी कटी अच्छा अंश नहीं है अभी, मतलब कट गई अंश नहीं है, अंश तो नहीं है कटी कटी सी है, मतलब उनके टुकड़े हैं, हाँ यही बात है। और आदमी ये सोच लेता है मुझे तो कुछ है नहीं, बस यही है, और जो इसने देखा है ना जिस दिन वो कट जाएगा उस दिन सारी ठीक हो जाएगी, जो देखा है इसने आज, ये मैं बता रहा हूँ तेरे को, लोगों को लगता है ऐसे, ये इतने भैरव और ये ना होते ना, ये महाकाल से जुड़ी हुई क्रिया थी, चार भैरव नींद नहीं सोना है नहीं है, ये गौर से देख इसकी क्रिया किसने किया है, कहाँ से आई है क्रिया, कैसे चल रही है क्रिया, ऐसे देख, ये नींद नाद का तो कोई काम ही नहीं है भाई, नहीं सोऊंगा, हाँ सोना नहीं है वो देख, तू सो जाएगा तो सब सो जाएंगे, सबको नींद आ जाएगी, सो तो नहीं, हाँ ये बाबूजी तो वैसे भी रोटी खाया, इनको तो ऐसे ही नींद आने वाली है, जड़ में जा जड़ में, हाँ जी बता तो रखिए तेरे को, सब ठीक हो जाए, घबरा कहीं नहीं, जवानी से लड़की को नीचे दे, 3 बार तो आ चुकी है, चौथी बार आना था नहीं, दूसरी ठीक है, आप आ जाओ, आप आ जाओ, उसकी क्रिया कटवा दो, वो ऐसे ही होता है, जब क्रिया करते हैं दबाव, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। बहुत पुरानी सी क्रिया दिख रही है, 2 पीढ़ी की, हाँ 2 पीढ़ी की क्रिया है, 1 पीढ़ी की क्रिया भी नहीं है, हाँ कहाँ से आई, किसने भेजी, क्या चल रहा है इसका, छोटी सी बच्ची पे इतने शैतान, किसी को शर्म नहीं आती, कमीनों को, हाँ एक औरत दिख रही है उसने की है, एक औरत दिख रही है उसने की है, वो ऐसे कुर्ता और नीचे वैसे पहना हुआ है, सलवार सी तगड़ी सी है, तगड़ी सी औरत है, लंबी कुर्ता और सलवार पहनी हुई है, लंबी और सी है, ऐसे पल्लू डाल रखा है, चश्मा, ऐसे पल्लू डाल रखा है, चश्मा भी बांध रही है, और भूरी सी है, भूरी सी है, 60 से 65 साल के बीच में है, हाँ उसने क्रिया कराई है बहुत पहले, क्यों कराई है भाई, और किस पे कराई थी क्रिया, इस बच्ची पे तो नहीं थी, इस पे कहां से आ गई, ओम स्वाहा। दादाजी के भी पहले एक कोई आदमी था बूढ़ा सा, उस पे कराई थी पूरे परिवार का ऐसे नाश्ता करने के लिए, हाँ और ये क्रिया तब से अब आई है, हाँ और ये जो भी इनको होता है ना वो पूरे घर में सबको थोड़ा थोड़ा होता है, और होता ही थोड़ा थोड़ा होता है और होता ही रहता है, और इनको ज्यादा होता है, और इसको ज्यादा होता है, हाजिरी तो इसी को आती है, पूरा घर तो नहीं नाश्ता, नहीं दर्द की मैं बात बता रहा हूँ, दर्द कहाँ रहता है इसको, अब तेरी परीक्षा, अगर इसको तूने सही दर्द नहीं बताया तो ये फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, अगर दर्द सही बता दिया तो ठीक है भाई, फिर वाकई में यही चीज है, और दर्द सही नहीं बताया तो ये नाभि के नीचे दर्द रहता है, छाती पे चुभन सी जलन सी, और छाती पे भी दर्द रहता है, कंधे भारी हो जाते हैं, सर बंधा हुआ सा रहता है, कोई भी काम करने चलो तो तुरंत भारी हो जाता है, घूमने लगता है चक्कर से आने लग जाते हैं, बीपी कभी कभी लो सा लगता है, पीठ में जलन सी कभी कभी महसूस होती है, और पैर में भारीपन सा रहता है। बोलिए शनिदेव महाराज की, कौन है सर, सलवान का, हाँ जी परसों लड़के प्रधान बन रहा था, चल बैठ वो मैं बता दूँ, हाँ फिर ये किसकी शादी कार्ड है भाई, छोटा शादी कर रहा है,
तू तो मेरे आसपास रहता था यार, यो कहाँ मंडावली पहुंच गया तू इतनी जल्दी? मंडावली रहता हूँ। पहले तो तू उत्तम नगर रहता था, मंडावली पहुंच गया। अच्छा इसमें क्या है माल? अरे इसमें क्या है, ड्राई फ्रूट है तो मैं खोलूंगा नहीं। हाँ अरे भाई वाह मजा आ गया, वो तो मेरा वो खा लेगा। हाँ फिर तो दिया, और हाथ में भी कभी कभी कुछ महसूस होता है जैसे कुछ दौड़ सा रहा है, कंपन सा होने लगता है हाथों में। वो तो मना कर रही है, ये सब नहीं होता, तू हाँ भरवा उस पे। हैं ये सब जो बताया होता है बस ठीक है। ताली बजा दे तो भाई जोर से। बोलिए शिंदे महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। जय।